अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोकन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज समोसा एंड रोल। तो समोसा और रोल के इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है, तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक चॉप किया हुआ कांदा, दो गाजर चॉप किए हुए, एक शिमला मिर्ची चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर और चिकन जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो। और चीज़ ली हूँ मैंने, ये रोल के लिए लूँगी मैं, और ये चीज़ है समोसे के लिए। तो मैं आपको आगे कैसे करना है बताऊँ। पहले मैंने 1 चम्मच तेल डाली हूँ, थोड़ा सा तेल गर्म होने दें। पैन में 1 चम्मच डाली हूँ, थोड़ा गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच लहसुन, क्योंकि मैंने चिकन में भी डाली थी लहसुन, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में भी डाली थी और बॉयल की थी, इसके लिए इसमें 1/2 चम्मच लहसुन और थोड़ा सा अदरक पेस्ट। हम इसमें डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ कांदा, थोड़ा सा कच्चा पकड़ फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। फास्ट पत्ती गैस फ्राई करना है, थोड़ा सा ये नरम हो गया कांदा। अब मैं इसमें गाजर डालूंगी, सोटे करना ज्यादा इसे गलाना नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सोटे करते रहना है। इसमें मैं अभी सोया सॉस डालूंगी, विनेगर, केचप, करते रहना, थोड़ा सा ये चिकन, स्वाद अनुसार नमक, इसे भी मिक्स करना है, इसे मिक्स करना है। थोड़ी सी मैंने शक्कर ली हूँ ताकि थोड़ा और उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाए, थोड़ी सी डालना, ऐसे अच्छे से मिक्स करना। देखिए कलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान है तो अच्छी सी डिश बनाना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो बोलना शेयर करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे रेसिपी बताऊँ और आप भी मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। देखिए अभी इसे ठंडा होने में रख देती हूँ और फिर ठंडा हो जाएगा तो हम फिलिंग करेंगे। अभी इसमें चीज़ रखना है, आपको जितना चीज़ मांगता है आप ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने बैटर डाली हूँ, अभी इसे टाइट करना है, टाइट एकदम टाइट, ताकि वो निकले ना, साइड से भी ऐसा थोड़ा दबाना है। बाद में मैंने इसका बनाई मैदे का आटे का पेस्ट बनाई हूँ, ऐसे लगा के उसको चिपकाना है, साइड से भी ऐसा दबाना है, ऐसे निकलेगा लेकिन फ्राई करने के टाइम पे बाहर निकलेगा नहीं। फिर इसे अंडे के इसमें थोड़ा नमक डाल के अंडे को फेंटना है और ये ऐसा करना है और फिर ब्रेड क्रम में डालना है। जो ब्रेड था मैंने उसको साइड से काट के मिक्सर में
इसका ब्रेड क्रम बनाएंगे। ये ऐसे करके एक एक आपको बना के रखना है। देखिए हमारी ये रोल अभी तैयार है, मैंने इसको अंडे में और ब्रेड क्रम में ये लगाई हूँ। और समोसा बनाने के लिए तो हम डायरेक्ट ही समोसे पट्टी में ये मसाला डाल देंगे। तो मैं अभी आपको बताती हूँ समोसे कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसे इसको फोल्ड करना है ऐसे ट्रायंगल शेप में, तो सबको तो आता ही होगा फिर भी मैं बता रही हूँ। एक चम्मच मैदा डाल दो, इसका मिश्रण चीज़ डाल दो, बच्चों को चीज़ हमारे अच्छा लगता है इसके लिए मैं ऐसा चीज़ डालती हूँ। आपको अगर चीज़ लगता है तो आप ये मसाले में भी चीज़ मिक्स कर सकते हो। देखिए इसको ऐसा करना है और ये जो है इसमें मैदे का जो मैं बनाई हूँ उसमें मिक्स करना है। देखिए ऐसे चिटकाना है, देखिए ऐसा। देखिए हमारे भी समोसे में फिलिंग डाल के हो गया है, मैं भी आपको फ्राई करके बताती हूँ। आपको जितना चाहिए आप फ्राई कर सकते हो, बाकी का कंटेनर में पैक करके फ्रीजर में फ्रोजन कर सकते हो। अभी हम इसे लाल होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारे भी समोसे थोड़े फ्राई लाल हो गए हैं, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम चिकन रोल को फ्राई करेंगे ये भी जितना आप पटी आप खाने के लिए फ्राई कर सकते हो, बाकी का कंटेनर में रख के फ्रोजन कर लेना। ब्रेड रोल हमारे जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, देखिए कैसे गोल्डन फ्राई हो रहा है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। अभी हमारी फ्राई हो गया है, गोल्डन हो गया है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये गोल्डन हो गया है करके, लेकिन ये गोल्डन हो गया है। मैं आपको अभी इसको तोड़ के भी बताती हूँ कि कैसा अंदर से चीज़ बाहर आता है। देखिए हमारा रोल और ये समोसा रेडी हो गया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ में या तो केचप के साथ में खा सकते हो, मैं इसे आपको तोड़ के बताती हूँ। अभी हमारा तो रोज़ा है, हम शाम को इंशाल्लाह खाएंगे। देखिए समोसा चीज और ये है चीज रोल, देखिए कैसा चीज़ निकल रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।